हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज हम बनाएंगे आलू मसाला सैंडविच। बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही झटपट बन जाती है और बच्चे पड़े सबको ये बहुत पसंद आती है। इस सैंडविच को बनाना बहुत आसान है और मार्केट से कई गुना ज़्यादा ये स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। तो यहाँ मैंने तेल ले लिया है, यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून तेल लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा सरसों तड़काएंगे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है ये सरसों, 1 छोटी चम्मच ही आप ले अंदाज से, और 1 मीडियम आकार के प्याज को मैंने बारीक काट लिया। तो यहाँ पे हमें प्याज को भूनना नहीं है, बस इतना पकाना है कि प्याज बस सॉफ्ट हो जाए। हमें पूरी तरह से इसे भूनना नहीं है, बस हमें इसे 5 मिनट ही भूनना है जिससे बस ये सॉफ्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे प्याज को भून लूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन पर मुझे कमेंट करें। तो यहाँ प्याज देखिए सॉफ्ट हो गया है, थोड़ा सा पिंक कलर में भी आ गया है। तो यहाँ हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने प्याज को भून के अलग रख लिया। यहाँ पर मैंने एक प्लेट लिया है, छोटे छोटे आलू 4-5 आलू को मैंने उबाल लिया है। आपके घर में ज़्यादा परिवार है तो आप ये सैंडविच ज़्यादा बना सकते हैं, एक बार बनाकर ट्राई कीजिए, सबको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे बॉयल आलू को ना मैंने इस तरह से मैंने मैश कर लिया है। तो आपको क्या करना है, आलू को एकदम अच्छे से मैश कर लेना है। तो एक फोर्क की सहायता से आप इस तरह से करें तो ये बहुत अच्छे से और ईजीली हो जाते हैं, मैश्ड हो जाते हैं। तो ये देखिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप फोर को इधर उधर घुमाते हुए कर ले। तो अभी क्या करूँगी मैं, यहाँ पे जो हमने प्याज भून के रखा था ना उसे हमने अभी यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ डाल दूँगी अच्छे से पैन सही थी, ताकि उसका जो तेल और उसमें जो हमने रायता लगाया था पूरे अच्छे से इसमें आ जाए आलू में। इस तरह से भुने हुए प्याज का टेस्ट ना बहुत अच्छा लगता है। मैंने 1/2 टीस्पून डाला चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच डाला लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून का 1/4 मैंने डाला है काला नमक, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो यहाँ मैंने डाल लिया है, अभी हम करेंगे सबको अच्छे से मिक्स। तो 1 चम्मच की सहायता से एकदम आप अच्छे से मिक्स कर लें। भुनी हुई प्याज का टेस्ट सच में बहुत अच्छा आता है, कच्चे प्याज से भी अच्छा। एक बार आप ये तरीका ज़रूर ट्राई करें अगर आप सैंडविच खाना बहुत पसंद करते हैं, बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं, तो एक बार ये तरीका भी आप ट्राई करके देखें। तो इस तरीके से मैं कर लूँगी इसे मिक्स अच्छे से। ये देखिए चारों तरफ से आलू अच्छे से मैश्ड हो गई है और सारे मसालों के साथ मिक्स हो गई है, बहुत ही चटपटी हमारी सैंडविच बनेगी। तो यहाँ मैंने ना 1 टमाटर को बारीक काट लिया है। तो यहाँ मैं थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डालूँगी, 1/2 टीस्पून से भी कम, मतलब टीस्पून का 1/3, और थोड़ा सा चाट मसाला, ताकि सैंडविच हमारा एकदम चटपटा बने। इसे भी हम साइड में रख लेते हैं और अभी हम सैंडविच के लिए हरी चटनी तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने धोकर हरा धनिया ले लिया है, 2-3 हरी मिर्च ले ली है, मैंने बोला तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और मैंने थोड़ा सा काला नमक ले लिया, थोड़ा नॉर्मल नमक ले लिया। अभी हमें इसे ना एक बार दरदरा पीसना है। तो 4-5 कली मैंने लहसुन की डाली है, छोटी कलियाँ इसलिए बड़ी ले रहे तो थोड़ा कम ही ले। 1/2 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, अब इसे हमें दरदरा पीसना है पहले। तो एक ही बार घुमाएंगे हम, तो एक बार घुमाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से पीस चुका है ना, अभी हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो मैंने 1 कटोरी यहाँ पे छोटी सी कटोरी में बूंदी ले लिया है, थोड़ी चीनी। चीनी डालने से चटनी का कलर भी अच्छा आता है, और मैं अभी नींबू का रस डालूंगी, तो इससे ये चटनी मीठी नहीं होगी बल्कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। नींबू डालने से ये हरी चटनी का हरापन बहुत अच्छा सा बरकरार रहता है। बूंदी की जगह आप सेव भी डाल सकते हैं, थोड़ा और हरी धनिया मैं डाल रही हूँ, सेव भी डाल सकते हैं या फिर भुनी हुई मूंगफली भी डाल सकते हैं, आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, भुनी हुई मूंगफली, सेव या फिर भुनी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मोटा चटनी ही आप पीसे। तो ये देखिए मैंने पीस लिया इस तरह से, टेक्सचर का बहुत पानी पानी नहीं होना चाहिए। तो सारी तैयारियाँ हो चुकी है, तो अब हमें सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड चाहिए। तो मैंने ब्रेड ले लिया, मैंने ये व्हीट ब्रेड लिया है, मार्केट में आपको जो भी ब्रेड पसंद आता है सैंडविच ब्रेड भी आता है, मैंने ये सैंडविच ब्रेड ही लिया लेकिन व्हीट ब्रेड लिया। तो आपको अगर मार्केट में जो भी ब्रेड आपको मिले आप वो ब्रेड ले सकते हैं। तो मैं पहले ना एक हिस्से में बटर लगा लूँगी, तो जब आपको सैंडविच बनाना हो तो बटर को फ्रिज से बाहर निकाल के पहले ही रख दे, तो ताकि थोड़ा बटर मेल्ट हो जाए। तो मैंने यहाँ लगा लिया, और आलू का जो मसाला बनाया था ना उसे हम अच्छे से फैला देंगे, हाथ से भी फैला सकते, चम्मच से फैला सकते, कलछी से फैला सकते हैं, तो जिस तरीके से भी बस इसे अच्छे से हमें फैला देना। जिस तरीके से मैं फैला दूँगी, ये देखिए इस तरीके से मैं फैला रही हूँ ना, इस तरीके से आप चारों तरफ से अच्छे से फैला देते। तो मैंने फैला दिया है, अभी क्या करना है, इसे साइड पर रखना और दूसरा ब्रेड एक हम लेंगे।
तो यहाँ मैंने ले लिया है दूसरा ब्रेड। इस ब्रेड के ऊपर हम लगाएंगे अपनी हरी चटनी, एकदम टेस्टी सी हरी चटनी। हमारी सैंडविच बहुत ही स्वादिष्ट चटपटी बनेगी। तो इस तरीके से मैं लगा दे रही हूँ, तो मैंने हरा चटनी लगा दिया है। बच्चे अगर खा रहे हो तो तीखा आप कम ही रखें। और इसमें हम रखेंगे जो हमने टमाटर का मिक्सचर बनाया था वो। यहाँ पे आप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च यूज़ कर सकते हैं, बारीक कटा हुआ कुकुम्बर यूज़ कर सकते हैं, मतलब खीरा यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने टमाटर यूज़ किया। अगर आपके पास आलू पहले से बॉयल है, घर में कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा टमाटर काटो, ये सैंडविच फटाफट बना ले। अब तीसरा ब्रेड में हम लगाएंगे टमाटो केचप। तो यहाँ मैंने टमाटो केचप ले लिया है इस तरीके से। ठीक है, देखिए लगा लिया है। अब हम रखेंगे चीज़ स्लाइस पहले ब्रेड में, फिर उसके ऊपर रखेंगे हम अपना हरी चटनी और टमाटर वाला ब्रेड, और इसे हम उल्टा करके रखेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे हरी चटनी का जो टेस्ट है वो आएगा, टमाटो केचप का टेस्ट आएगा और आलू मसाला का टेस्ट आएगा, और ये चीज़ सैंडविच बनकर हमारी रेडी हो जाएगी। ऊपर से हम ऊपर की साइड को थोड़ा अच्छे से बटर लगा देंगे। मैंने बटर लगा दिया है ऊपर की साइड को। अब हम इसे सेकेंगे, तो पैन में हम इसे सेकेंगे। तो मैंने पैन को गर्म कर लिया है और बटर वाली साइड को हम नीचे रख देंगे, अच्छे से सेट कर देंगे। और इसे हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड में भी थोड़ा बटर लगा लेंगे। तो ऊपर की साइड में भी देखिए मैं बटर लगा दे रही हूँ। बहुत देर इसे सेकने में टाइम नहीं लगता है, बस 5 मिनट लगता है। तो मीडियम फ्लेम पर ही आप इसे सेकें, थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसे सेकें। प्रेस करने से बहुत अच्छे से सैंडविच हमारी सेट हो जाती है। और इसी तरह से मैंने प्रेस कर दिया और इसे हम लगभग 1 मिनट के लिए ढकेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए ढकूँगी, इससे चीज़ अच्छे से मेल्ट भी हो जाएगा। तो 1 मिनट हो चुका है, हम ढक्कन हटाएंगे और सैंडविच को पलट देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से इसे पलट दे रही, एक साइड हमारी सिक चुकी है सैंडविच, और दूसरी साइड भी हम इस तरीके से इसे सेक लेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा प्रेस आप करते हैं, प्रेस करने से सैंडविच बहुत अच्छा बनता है, एकदम सारा जो चीज़ है ना एकदम आपस में चिपक जाता है, चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाता है। यहाँ पे रेडी हो गई है, तो मैं आप भी आपको काट के दिखाती हूँ कि ये देखने में कितनी यम्मी और खाने में तो ये ज़बरदस्त टेस्टी है। तो अब हम सैंडविच को लाएंगे और इसे बीच से कट कर देंगे। मनचाहे डिज़ाइन में आप 4 भागों में काट सकते हैं। मैं यहाँ पे तिरछा काटूँगी, ये देखिए। अभी मैं सामने से भी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सैंडविच कट चुकी है, इसे आप सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो ये देखिए सैंडविच का लुक कितना अच्छा आया है। तो ज़रूर बनाकर ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।